दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सोनी टीवी पे केबीसी आता है वो उसमें अमिताभ बच्चन जी ने फिर से कोई एक गलत सवाल पूछ लिया और जिससे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इस वीडियो में हम उसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि बार बार किसको क्या समझाया जाए, एक बार गलती करने पे समझ में आता है कि गलती हो गई तो सुधारी जा सकती है। अगर दूसरी बार भी वो इंसान फिर से गलती कर रहा है तो उसको कैसे समझाया जाए, या तो उसकी प्रवृत्ति में ही गलतियां हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन जो है केबीसी जो शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम इन्होंने जो सवाल पूछे थे मतलब काला पानी लिपु लेख लिम्पिया धुरा को लेकर के, तो इसके विषय में मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ। दोस्तों आप चाहें तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के विषय में हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि फिलहाल जो 30 तारीख का 30 अक्टूबर का जो एपिसोड आया था उसमें केबीसी के जो होस्ट हैं अमिताभ बच्चन जी, इनने फिर से गलत तरीके से गलत सवाल पूछा। वो सवाल कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने ये पूछा था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुयायियों ने कौन से हिंदू धर्म ग्रंथ को जलाया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या इन लोगों के पास सवालों की कमी हो गई है क्या, क्या वो लोग इस प्रकार के सवालों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। और उनको पता होना चाहिए वैसे देश में कितने कलेश हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। धर्म ऐसी सेंसिटिव चीज़ है कि उसके बारे में आप बोल नहीं सकते। ऊपर से ये लोग धर्म को लेकर के, धर्म का उपयोग करके अपनी मार्केटिंग चमकाने में लगे हुए हैं, TRP बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कायदे से देखा जाए तो जो आए थे जो इस सवाल का जवाब जिनने भी दिया उनको पता था और उन्होंने दिया भी, खैर सबको पता है, परंतु इस चीज़ के बारे में सबके सामने बोलना कहाँ तक वाजिब है आप खुद ही सोचें दोस्तों। क्योंकि मैंने भी जब ये देखा, मैं क्या बताऊँ, मैं पहले ही जब KBC देखता था तो मुझे ठीक लगता था, फिर बीच में जो आपत्तिजनक सवालों का जो एक सिलसिला इन लोगों ने चलाया, हो सकता है कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार इनने किया होगा, तो वो देख करके मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छा नहीं लगता था। ऑब्वियस सी बात है, और जितने भी लोग हैं जिनकी धार्मिक भावना आहत हुई है उन लोगों ने भी कुछ अपनी कार्रवाई करते कुछ प्रतिक्रियाएँ दी हैं। धार्मिक संगठन जो भी भारत में हैं उन्हें एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। तो जो भी शो निर्माता हैं उन सबको ये समझना चाहिए कि इस प्रकार की सवाल का, इस प्रकार से सवाल अगर आप किसी कंटेस्टेंट से पूछेंगे तो वो सिर्फ कंटेस्टेंट से नहीं पूछा जा रहा है, हज़ारों लोग लाखों लोग उसको देख रहे हैं, और सिर्फ एक देश के नहीं, जितने भी इस धरती में देश हैं वो जहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है वहाँ पे वो देखा जा रहा है। तो इस प्रकार के जो स्टंट है ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक पब्लिक स्टंट है, और ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, ये मानवता के भी खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए कोई भी एक रोड मैप होता है, एक कोई एक लेआउट होता है, उसी अनुसार इन लोगों को सवाल पूछने चाहिए। क्या सवालों की इतने बड़े अकाल आ गए क्या पूरी दुनिया में, इतने अकाल की इतने सारे सवाल को आप क्या पूछ नहीं पा रहे हैं, या कोई सवाल आपके पास है नहीं तो आप मतलब डिस्प्यूटेड चीज़ों को ही उठाने में लगे हुए हैं, इस प्रकार से क्या होगा। पिछली बार जो KBC का जो सवाल पूछा था वो लिपु लेख लिम्पिया धुरा और काला पानी को लेकर के, उससे तो आपने जो दो देश के जो रिश्ते थे उसके ऊपर रोटियां तो सेक ली, और अब धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए आप सवाल पूछ रहे हैं जो कि आपकी TRP को बढ़ाए। तो मेरे हिसाब से लोगों को इनकी TRP और कम करना बहुत ज़रूरी है, उनको देखें ना लोग, इनको अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि ये लोग थोड़ा इनको फाइनेंशियल लॉस हो और इनको समझ में आए, क्योंकि जब तक ये लोग समझेंगे नहीं तब तक ये सीधे रास्ते चलेंगे नहीं। और इसमें सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसके सवाल पूछने पे। खैर मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता, परंतु हिंट तो यही है, इनको काफ़ी बड़े बड़े सपोर्ट्स हैं, इस वजह से ये इस प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं जो कि मानवीय रूप से बहुत ही गलत है। हम सब एक व्यक्ति की तरह है, हम सब एक इंसान की तरह है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो कोई भी देश का हो, सबको एक साथ रहना ज़रूरी है और अपने देश की रिस्पेक्ट करते हुए अपने देश की अस्मिता को कायम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार के जो बॉलीवुड फेक एक्टर्स बोलेंगे, ये फेक एक्टर्स हैं, ये अच्छे एक्टर्स नहीं हैं,
क्योंकि इन लोगों ने कभी भी अच्छा काम नहीं किया, ये लोग सिर्फ दिखावटी इनका चेहरा होता है, ये कभी भी आपको असल जीवन का एक असल नायक बन के आपको नहीं दिखाते, इनका एक दूसरा ही चेहरा होता है जो कि आप शायद काफ़ी वीडियोस में देख चुके हैं, पिछले काफ़ी वीडियोस में आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, काफ़ी ड्रामेटिक माहौल चल रहा है बॉलीवुड में। और सिर्फ ये बॉलीवुड की कहानी नहीं है, दुनिया की कोई भी जहाँ पर फैशन जगत है या जहाँ पर ग्लैमर जगत है वहाँ सब में यही कहानी है। हाँ, ये है कि बॉलीवुड थोड़ा हाईलाइट हो गया, इस वजह से लोगों को लगता है कि नहीं बॉलीवुड ही ख़राब है, हालांकि बॉलीवुड तो है ही, दुनिया के जितने भी ग्लैमर क्षेत्र हैं वो सब ठीक नहीं है, सीधे रास्ते से कोई काम करना नहीं चाहता, गलत रास्ते से ही वो लोग पैसा कमाना जानते हैं, तो इसमें लोगों की फीलिंग्स भी आ जाती हैं, चाहे वो भारत का हो चाहे वो नेपाल का हो। तो उसी प्रकार का जो इनने मापदंड अपना करके जो अपने TRP चमकाने के लिए जो पिछले वीडियोज़ में नेपाल के काला पानी लिपु लेक लिम्पिया धुरा को लेकर के इस विषय पे सवाल पूछे, जो कि हमारे सारे नेपाली भाइयों को काफ़ी बुरे भी लगे, जो कि गलत भी था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और साथ ही साथ इनने अपने देश के लोगों के धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया, जो कि सरासर गलत है। बाकी फैसला दोस्तों आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इन लोगों को कितना देखते हैं या नहीं देखते हैं आप लोगों के ऊपर है कि इन लोगों को ना देखें। इन लोगों को ज़मीन पर लाना बहुत ज़रूरी है, तो इनको समझ में आया कि नहीं जनता ही पावरफुल है, जनता ही चीज़ों को समझती हैं, क्योंकि ये बड़े लोग जो ऊपर बैठे रहते हैं उन लोगों को यही लगता है कि हम लोग ऊपर हैं तो ये सब नीचे जनता है, इन लोगों को किसी भी करके दबाया जा सकता है। पर इन लोगों का जो ये जो सपना है, जो ये सोच है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है सिर्फ जनता के द्वारा। आप लोग चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग ऐसे शो को बिल्कुल ना देखिए, और इस प्रकार की जो गतिविधियाँ आती हैं, जिस प्रकार की ऐसे टिप्पणी, ऐसे सवाल, ऐसे कोई कृत्य हो गए या कोई भी कोई बात हो गई जो आपको सही नहीं लगती, तो तुरंत रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि समाज में एक प्रकार से मुख्य धारा में समाज अच्छा चलता रहे। गलत चीज़ सपोर्ट ना करें। मेरे सारे नेपाली भाइयों को, मेरे सारे भारतीय भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के वीडियोस, इस प्रकार के जो चैनल्स, इस प्रकार के जो रियलिटी शोज, इन सबसे दूरियां बनाना चालू कर दें, क्योंकि अंत में मुझे लगता है कि समाज नॉर्मल व्यक्ति से नहीं टूटेगा, इन्हीं चैनलों की वजह से टूटेगा। देश में लड़ाइयाँ इन चैनलों की वजह से होंगी, जो कि आप देख ही रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तत्व जो गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, जो कि लोगों को पता भी है कि गलत है तो फिर भी वो मानते नहीं हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप इन सब से बचें। और दोस्तों मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके उनकी सद्बुद्धि आए, और इस प्रकार के सवाल जब उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आए तो वो मैनेजमेंट को बोल सकें, जो वो चैनल बना रहे हैं, जिनने ये प्रोड्यूसर्स है शो के, उनको ये बोल सके कि इस प्रकार के सवाल आप मत लाइए। ये उनकी इमेज पर भी एक प्रकार का दाग लगाने की कोशिश ज़रूर करेगा, उनको भी एक तरफ पैसा एक तरफ इज्जत, अगर पैसा सामने आ रहा है और इज्जत भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो अभी सी बात है उनको इज्जत की तरफ जाना चाहिए, ना कि पैसे की तरफ। उनने बहुत ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाए हैं, और पैसे कमाने के लालच में कहीं वो इज्जत ही ना हार जाएं, ये भी नहीं करना चाहिए। तो यही कुछ कृत्य इनके काम से देखने को मिलता है, और इसमें पूरी की पूरी जो मेन गलती है, मैं यही बोलूँगा कि जो मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के जो कनेक्शन बड़े लोगों से हैं, जो लीडरशिप हो या कोई भी प्रशासन से, जो गलत लोग होंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं किसी हर व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, प्रशासन में कुछ गलत लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो उन गलत लोगों का प्रभाव शायद इनके ऊपर है, जिस वजह से ये इस प्रकार के सवाल लोगों के सामने पूछ रहे हैं, और लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश की जा रही है, दिमाग का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि नहीं ये जो है वो सही है, ये जो करा जा रहा है वही सही है, नहीं इसके विपरीत चलना लोगों को बहुत ज़रूरी है, और जो मुख्य धारा से जो विपरीत चलता है लोग शायद उसको पहले लोग पागल ही बोलते हैं, बाद में सिर्फ समझ में आता है कि नहीं वो जो चल रहा था शायद वो सही रास्ता था। तो बस आप लोगों से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के चैनल्स, जो भी वीडियोस आते हैं या जो भी कृत्य होते हैं, जिस प्रकार की ये लोग बातें करते हैं, तो आप तुरंत रिएक्ट कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर फैलाइएगा, और लोगों को पता चले कि नहीं लोग क्या सोचते हैं, लोगों की मानसिकता क्या है, और जो अच्छी मानसिकता वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और जो अच्छी मानसिकता वाले नहीं, हो सकता है डिसलाइक भी करें, परंतु मैं यही चाहूँगा कि ये वीडियो हर जगह पहुँचे,
बस आप लोगों का इसमें योगदान चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।